अगर आप मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर को पढ़ करके जाते हैं तो 75 मार्क का आपका पेपर है, इसमें से 72 मार्क इसी वाले पेपर में फंसा हुआ है। तो मतलब कम से कम आप 70 प्लस तो लेकर के आएंगे ही, 70 प्लस मार्क के क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही पूछे गए हैं जो मैंने आपको गेस करके बताए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा MSc फर्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर फिजिक्स का थर्ड पेपर, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। इसका आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2016 का पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का, फिजिक्स के थर्ड पेपर का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2016 से, और 2016, 17, 18 और 19 तक के पेपर मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। तो मैं इस इतने पेपर्स में से आपको गेस करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, जिसे आपको ज़रूर से पढ़ करके जाना चाहिए, और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस बार भी आ जाएंगे। और ये हर साल के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक साल के लिए, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए पर आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर वेरी फर्स्ट। और मैं जो नाम बताऊंगा क्वेश्चंस का, उसको आप टॉपिक का उसको आप लिखते जाइएगा, आपके पास जो भी मैटर होगा, चाहे वो आपके पास सीरीज हो, चाहे वो आपके पास नोट्स हो, कुछ भी आपके पास मैटर होगा तो उससे आप लोग आराम से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको मैटर चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीनियर वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर वेक्टर तैयार करके जाइएगा, इसमें लीनियर वेक्टर स्पेस और लीनियर ऑपरेशन, यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन बना हुआ है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन बना हुआ है, और ये हमेशा बनता है, तैयार करके जाइएगा। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक तो मतलब हद ही है पूछने के, इसकी बहुत पूछा जाता है, दबा के पूछा जाता है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है क्लिप्स, या इसको आप बी को साइलेंट कर दीजिए, क्लिप्स गॉर्डन कोफिशिएंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग से लेकर के शॉर्ट तक में तहलका मचाता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ये सब आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तहलका मचाने वाला क्वेश्चन, फर्मी होल्डन रूल, तहलका मचाने वाला क्वेश्चन, स्टार्क इफेक्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है जीमान इफेक्ट, सी वाले सेक्शन में भी कई बार पूछा गया है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सब तैयार करके जाइएगा जो मैं टिक कर रहा हूँ। हाउ स्टेट वेक्टर आर डिफाइंड इन हाइजेनबर्ग पिक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, लैडर ऑपरेशन से तो मतलब हर साल पूछा गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग तरह से डेफिनेशन से लेकर के इसके न्यूमेरिकल तक लगातार पूछा गया है, तो तैयार करके ही जाना है, बिना इसके पहुँच गए एग्ज़ाम में ना तो फिर आके पछताना, फिर आके मुझे याद करना, बैठ के रोना वहीं पे। देखो व्हाट आर पाउली स्पिन मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, वही लैडर वाला, सॉरी ये तो और वाला है, और में यूजिंग लैडर करके देखिए पूछा हुआ है ना, मैं बोल रहा था लैडर से क्वेश्चन आएगा, ये देखिए लैडर से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रूफ करने के लिए, तैयार करके जाइएगा। ये जो पहला वाला है वो पाउली स्पिन मैट्रिक्स से पूछा हुआ है, मैट्रिसेस से, ये भी प्रूफ करने वाला है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है ऑर्बिट्रेरी बिट्स प्रूफ दैट, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को ज़रूर से तैयार करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए इसी पेपर में ही रिपीट कर लिया एक क्वेश्चन, जिसका अभी मैं नाम ले रहा था, क्लिप्स गॉर्डन कोफिशिएंट, देख लीजिए पूछा हुआ है। नेक्स्ट है प्रूव दैट दिस रिलेशन, इसको छोड़ दीजिए, अगर आगे आएगा तो मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है सिलेक्शन रूल फॉर डाइपोल ट्रांजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है ग्राउट्स स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन डिजनरेट एंड डिनरेट केसेस ऑफ सैनिट स्टेशनरी परटर्बेशन थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, हर साल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टार्क इफेक्ट का भी मैं नाम ले रहा था, ये देखिए यहाँ पे रिपीट किया हुआ पूछा हुआ है, तैयार करके जाइएगा। सेक्शन सी में आते हैं, तो सेक्शन सी में आपसे पूछा गया है
पाउली स्पिन मैट्रिक्स का अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि ढंग से तैयार करके जाइएगा। पाउली स्पिन मैट्रिक्स और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए दोनों एक ही में पूछा हुआ है, सही से तैयार करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा, टपकेगा। आगे बढ़ते इसमें सी वाले सेक्शन में, तो दिया हुआ है नेक्स्ट केस में बात करते हैं। डिस्कस डेंसिटी ऑपरेटर्स एंड डेंसिटी मैट्रिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है फर्मी होल्डन रूल, अभी मैं आपको टिक करके आ रहा हूँ कि परटर्बेशन कॉन्स्टेंट, परटर्बेशन थियरी, ये सब तैयार करके जाइएगा, ये सब आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है यूजिंग वेरिएशनल मेथड वंडरवाल इंटरेक्शन, तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा। नेक्स्ट है मैट्रिक्स थियरी का इस्तेमाल करके हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा हुआ है, जिसमें आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर बिना तैयार किए तो जाइएगा मत, भूल से भी। आगे आते हैं 2017 के पेपर पर, तो अब ये है आपके सामने 2017 का पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का। आते हैं सेक्शन ए पर, पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मैलिटी तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा। प्रोजेक्शन ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। थॉमस फर्मी मॉडल ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम तैयार करके जाइएगा, आपसे कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वाला भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर वेक्टर स्पेस, तो लीनियर वेक्टर स्पेस अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ। नेक्स्ट है वेव मैकेनिक्स एंड मैट्रिक्स मैकेनिक्स, इसको तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, वेव मैकेनिक्स एंड मैट्रिक्स मैकेनिक्स। नेक्स्ट है हाउ द हर्मिशियन ऑपरेटर रिमेन्स हर्मिशियन अंडर अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, हर्मिशियन ऑपरेटर सही से तैयार करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा, ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है ये वाला, देखिए मैंने टिक किया था पहले ही कि सिलेक्शन रूल फॉर डाइपोल ट्रांजिशन, देख लीजिए पूछा हुआ है। पर्टर्बेशन थियरी मैंने बोला था कि आएगा, तैयार करके जाइएगा। एंगुलर मोमेंटम सही से तैयार करके जाइएगा, पूछा जाएगा। सेक्शन बी पर आते हैं, देखिए लैडर वाला, अगर आपको याद होगा तो भी मैं आपको बता रहा था कि लैडर से न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तैयार करके जाइएगा। आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, देखिए ये भी पूछा हुआ है, मैंने टिक कर दिया पहले ही। पाउली स्पिन मैट्रिक्स मैंने पहले ही आपको बता दिया है। डब्ल्यू के बी मेथड तैयार करके जाइएगा। एंड नेक्स्ट है प्रूफ करने के लिए कि इसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। मैट्रिक्स मेथड टू ऑब्टेन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला भी मैं टिक किया था, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिरैक्स ब्रा एंड केट नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। हिल्बर्ट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइजन वैल्यू मैंने पहले ही आपको टिक कर दिया। आइंस्टीन कोफिशियंट तैयार करके जाइएगा, ये वाला मैंने पहले ही टिक कर दिया है, क्लेस गॉर्डन कोफिशियंट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पर आते हैं, देखिए लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, जो कि मैंने पहले टिक कर दिया है, तैयार करके जाइएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला LCEO मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है। अच्छा ये वाला जो पेपर है ना, इसमें केमिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये केमिस्ट्री से टच्ड पार्ट है, केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन और इसका कुछ पोर्शन बिल्कुल सेम है। आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन मैंने पहले टिक कर दिया है, ये देखिए आइजन वैल्यू से पूछा है, ये देखिए आइजन फंक्शन से पूछा है, तो दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, सॉरी मुझे लगा और में करके पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है नॉन डिजेनरेट जीमान इफेक्ट, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था लॉन्ग में पूछा जाएगा, देखिए सी वाले सेक्शन में पूछा हुआ है। अब आते हैं 2018 के पेपर पर, तो अब ये है आपके सामने 2018 का पेपर क्वांटम मैकेनिक्स सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पहले क्वेश्चन पर आते हैं,
ओरिजिन ऑपरेटर इन क्यूएम तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट ब्रा एंड किट वेक्टर मैंने अभी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, आएगा। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, रिपीटेड है। श्रोडिंगर मैंने पहले ही बता दिया है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मैंने पहले ही बता दिया है, एंटी सिमेट्रिक भी मैंने पहले ही बता दिया है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, मैट्रिक्स वेव मैकेनिक्स एंड मैट्रिक्स मैकेनिक्स मैंने पहले ही बता दिया तैयार करने के लिए, पर्टर्बेशन मैंने पहले ही बता दिया, लैडर ऑपरेटर मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सचेंज डिजेरेसी मैंने पहले ही बता दिया है, थॉमस फर्मी मॉडल मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसका 10 का 10 क्वेश्चन, एक बस अगर मैं छोड़ दूँ सबसे पहला वाला ये वाला, तो इसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे। सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में व्हाट इज़ एन ऑपरेटर तैयार करके जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। पाउलीज का आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन देखिए पूछा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया है, ए भी आइजन वैल्यू से ही क्वेश्चन है। हर्मेशियन ऑपरेटर, पाउली स्पिन मैट्रिक्स, ये सब मैंने टिक कर दिया, पहले ही तैयार करके जाइएगा। हिल्बर्ट स्पेस मैंने पहले ही आपको बता दिया है तैयार करने के लिए, हिल्बर्ट स्पेस से क्वेश्चन है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पहले ही आपको टिक कर दिया है, मैट्रिक्स थ्योरी मैंने पहले ही बता दिया है, ए सिमेट्रिक मैंने पहले ही बता दिया है, सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट है पाउली स्पिन मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले ही बता दिया तैयार करने के लिए। सेक्शन सी पर आते हैं, तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस में सबसे पहला ही एंगुलर मोमेंटम, से ये भी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया तैयार करने के लिए। क्लिप्स गॉर्डन कोफिशियंट मैंने पहले ही बता दिया तैयार करने के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं, आइंस्टीन कोफिशियंट मैंने पहले ही आपको बता दिया आएगा, पर्टर्बेशन थियरी मैंने पहले ही आपको बता दिया है आएगा, और 11 वाला क्वेश्चन है, 11 वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो सेक्शन सी में अगर मैं 11 को छोड़ करके अगर बाकी क्वेश्चंस की बात करूँ, तो बाकी सारे क्वेश्चंस वही आए हुए हैं, 7, 8, 9, 10, 4 के 4 क्वेश्चन वही आए हुए हैं जो मैं बताया था, बस 11 को छोड़ करके, ठीक है, सेक्शन सी से। तो सारे क्वेश्चन मतलब 2018 में कम से कम आपका एक दो क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस वही आए हुए हैं जो मैंने आपको टिक करके दिए हुए थे। अब आते हैं 2019 सबसे लास्ट पेपर पर। अब आपके सामने है क्वांटम मैकेनिक्स का 2019 का पेपर, ये थोड़ा सा ब्लर है, जिसने भी पीडीएफ बना के भेजा है थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ करके बोलूँगा, आप लोग इसको समझते जाइएगा, टॉपिक वही रहेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे। पहला वाला है लीनियर ऑपरेटर, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है तैयार करके जाने के लिए, तो पहला वाला मैंने पहले बता दिया था। ऑर्थोगोनैलिटी से दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मैलिटी से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, मैंने पहले बता दिया। श्रोडिंगर पिक्चर मैंने पहले ही बता दिया है। स्लेटर्स डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन एक नया है, स्लेटर डिटर्मिनेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी तक टिक नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, गिवन इलेक्ट्रॉन्स स्पिन हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। आइजन वैल्यू मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नॉन डिजनरेट और डिजनरेट मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है हिल्बर्ट स्पेस, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। ये क्वेश्चन एक मैंने नहीं टिक किया, और एक अभी ऊपर जो था वो मैंने नहीं टिक किया, मतलब सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ 2019 में, तो सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चंस नए पूछे गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस 8 के 8 वही हैं जो मैंने आपको टिक करके दिए थे। एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है, तो 3 नंबर निकाल दीजिए, 15 में से 12 नंबर आपको यहाँ से सेक्शन ए से मिल जाता मेरे बताए हुए क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो आइजन फंक्शन मैंने पहले बता दिया है, हर्मेशियन ऑपरेटर मैंने पहले बता दिया है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है स्टार्क इफेक्ट, मैंने पहले बता दिया तैयार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पाउलीज स्पिन मैट्रिसेस मैंने पहले बता दिया है। एक इसका बी वाला ऑप्शन थोड़ा सा नया पूछा है, तैयार कर लीजिएगा, रेले रिट्ज मेथड, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड बिडेन ट्रांजिशन फॉर सेलेक्शन रूल फॉर डाइपोल ट्रांजिशन, ये मैंने पहले ही टिक कर दिया है कि पढ़ करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आइजन वैल्यू मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर से न्यूमेरिकल पूछा है, मैंने पहले ही टिक कर दिया। आइजन वैल्यू मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है एंगुलर
एंगुलर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने पहले टिक कर दिया है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब पढ़ करके जाइएगा। तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसका नहीं आ रहा था एक दो का, तो एक का ये अलग ऑप्शन पूछा था, तो कोई बात नहीं, इसका और वाला आप लोग कर लेंगे, मतलब यहाँ से आपको फुल मार्क मिलेगा, मेरी कहानी का सेंस ये है। तो सेक्शन बी में आप देख रहे हैं टोटल 40 नंबर, एक क्वेश्चन 8 नंबर का था, 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 40 नंबर, मतलब 40 का 40 सेक्शन बी से 40 का 40 नंबर आपको यहाँ से मिलता मेरे बताए हुए क्वेश्चन से। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट नहीं, सी वाला सेक्शन यहाँ पे है। सी वाला सेक्शन आप जानते हैं 20 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर मैंने पहले ही बता दिया तैयार करके जाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंगुलर मोमेंटम जो कि मैंने पहले ही बता दिया, आइजन वैल्यू, आइजन एनर्जी, आइजन वेक्टर ये सब मैंने पहले ही बता दिया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है हार्टीज सेल्फ कॉन्सिस्टेंस फॉर डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं नहीं बताया हूँ लेकिन तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तैयार कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया है, ये देखिए अगर आपको याद होगा तो मैं बता रहा था कि इक्वल टू 3 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए पूछा गया है, एंड डायरेक्ट ब्रा वाला देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, तो ये 11 का ए और बी आपको दोनों आ रहा होता है ना। तो अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ करके 7, 8 और 11 ये तीनों आपको आ रहा था, 7, 8 और 11 ये चारों आपको आ रहा था 10 को छोड़ करके। तो सेक्शन सी में से बड़े आराम से आप लोगों को 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन आपको करने थे और आपको आ रहे थे 3 आ रहे थे, ठीक है, 7, 8, 9 और 11 चार आ रहे थे और करना आपको 2 था, तो अब ऐसी बात है 20 नंबर आपको यहाँ से बड़े प्यार से मिल जाता। तो 20 नंबर यहाँ से और सेक्शन बी में से 40 नंबर हो गया 60 नंबर, एंड सेक्शन ए में से अगर मैं 3 नंबर निकाल दूं तो बचेगा 12 नंबर, यानी कि 60, 10, 70 और 2 72, 72 मार्क, यानी कि अगर आप मेरे बताए हुए गेस पेपर को पढ़ करके जाते हैं तो 75 मार्क का आपका पेपर है, इसमें से 72 मार्क इसी वाले पेपर में फंसा हुआ है, तो मतलब कम से कम आप 70 प्लस तो लेकर के आएंगे ही, 70 प्लस मार्क के क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही पूछे गए हैं जो मैंने आपको गेस करके बताए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है, इसको तैयार करके जाइएगा, बिना पढ़े इसको एग्ज़ाम में जाइएगा मत, ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम पक्का ख़राब होगा। और एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो मुझे बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए, कितने क्वेश्चंस आपने किए और कितने क्वेश्चंस मेरे बताए हुए फंसे थे, वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करिएगा। और कोई पेपर और कोई सब्जेक्ट का गेस पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।